उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलकारा टनल में 11 दिनों से तकरीबन 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उनको निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही उनके निकलने की उम्मीद भी नज़र आ रही है। टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन करीब 40 मीटर तक 800 mm यानी कि करीब 32 इंच का पाइप ड्रिल कर चुकी है। अब लगभग 25 से 30 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। आज शाम या फिर कल तक ड्रिलिंग पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। ड्रिलिंग का काम पूरा होने के बाद में 32 इंच के पाइप के जरिए एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर जाकर मजदूरों को बारी बारी से निकालेगी। मजदूरों को कमज़ोर हुई तो एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है और उन्हें स्केट्स लगी टेम्परेरी ट्रॉली के जरिए बाहर खींचकर निकालने की भी तैयारी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के करीब पहुंचने की स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन ने घटनास्थल पर करीब 40 एम्बुलेंस बुलवा रखी है। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी पहुंच गई है।